राखी मां क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? अब बैठ जाइए प्लीज। नहीं निधि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उतर तू मेरे साथ आ जा। मम्मी जी आ जा। ठीक हूँ आराम से आ जा। पर पेप्स मैं क्या बताऊँ, इतना मजा आया ना पेरिस में। बेब्स तू जाना चाहिए था। I wish. ये बता तू कैसी है? परफेक्ट। लेट मी गेस, तू तो बिल्कुल बदल गई है। आई मीन जैसे थी वैसे है ही नहीं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यू नो माय फ्रेंड, ये जो लाइफ है ना, ये बहुत कुछ सिखा देती है। और तुझे पता है मैंने क्या सीखा? क्या? प्यार। ओह गॉड, करण और शौर मेरी लाइफ के दो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। और आज अगर करण की खुशी उसकी मॉम में है तो आई विल मेक श्योर कि उसको उसकी खुशी मिले। उसको जो अच्छा लगता है मैं वो सब कुछ करूँगी ताकि वो हमेशा खुश रहे। क्योंकि तुझे पता है मुझे वही चीज़ में खुशी मिलती है जिससे करण के चेहरे पे खुशी आती है। समझ गई ना तू? एनीवेज मेरी छोड़, तेरा पता तेरा क्या चल रहा है? अरे यार पूछ मत, ऐसे लग रहा है जैसे तेरी लाइफ ना मेरी लाइफ बन गई है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि करण तेरा पति होके भी नहीं है और मेरा पति है। तुझे क्या ही बताओ यार, आजकल ना हम दोनों में इतने ज्यादा झगड़े होने लगे कि ना तो दिमाग खराब कर। देख उसी का कॉल है। पिप्स तो मैं बस आई। हाँ हस्बैंड वाइफ का झगड़ा भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। साउंड्स गुड टू मी। आई विश मुझे भी मेरी लाइफ में ऐसा कुछ मिले। देखो इसे और बताओ कि तुम नहीं हो ये। बोलो बोलो, चुप क्यों हो तुम? जवाब दो। मैं उस टाइम पे इसका मतलब बल्कि सही बोल रही थी। कोई तो है जो उनका रिश्ता तोड़वाना चाहता है, राजवीर और उसके बीच लड़ाई करवाना चाहता है। बोल रही थी ना कि कोई है जो उन्हें फॉलो कर रहा है, उन पे नजर रखे हुए। सुनाया बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। हाँ बात बहुत बड़ी है और वो बड़ी बात है राजवीर। आई हेट हिम। और कुछ पूछना है आपको या आपको कुछ और बोलना है? इतना काफी है ना जानने के लिए कि मैंने ये सब क्यों किया, क्या किया एंड एवरीथिंग एल्स। शौरत आप? हाँ मैं। मुझे देख के इतने शॉक में क्यों हो सब लोग? मेरे वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए मैं यहाँ आ गई थी। हाँ करण बेटा। अरे बुआ कहाँ रह गई आप, नीचे आइए ना। बेटा मैं शौर्य के रूम में हूँ। शौर्य शनाया और काव्या के साथ बात कर रही थी। अरे बुआ बात बाद में कर लेना, मुझे नीचे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, प्लीज आइए जल्दी। ओके बेटा। बेटा चलो, करण ने नीचे बुलाया, उसे कोई बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, चलो। तुम अब चलिए ना। चलिए 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 बुआ, मैं आप ही का तो वेट कर रहा था। हाउ स्वीट। शनाया आई एम रियली वेरी सॉरी। शौर्य ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी शनाया। इट्स ओके कम। ये क्या हुआ निधि, क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो फिर चलो ना, कम बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, कम ऑन लेट्स गो। अरे बेटा करण जी कहाँ हैं? थोड़ी देर पहले तो यहीं थे। हाँ जी। अरे करण जी कहिए। गौतम जी सगाई की मुहूर्त का समय हो गया और पंडित जी ने कहा है कि सगाई के लिए अगले आधे घंटे बहुत शुभ है। तो फिर देर किस बात की, शुभ काम शुभ मुहूर्त पे होना चाहिए। शुरुआत करें जी। चलिए अटेंशन एवरीबॉडी। मैंने आप सबसे कहा था ना कि आज शाम को मैं एक बहुत बड़ी न्यूज की अनाउंसमेंट करूंगा, तो मैं बस वही करने जा रहा हूँ। यदि एक बात कहूं, तुमने इस घर के बच्चों का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। थैंक यू।
वैसे अब हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, वो इस घर से विदा हो जाएगी, दूर चली जाएगी। सच कहूं, जब बेटी इस घर से जाती है ना तो बहुत दुख होता है। बेटी जिस भी घर से विदा होती है ना, ऐसा लगता है जैसे उस घर से एक जिंदगी विदा हो गई, दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे घर के सारे बच्चों में से एक बच्चा कम हो गया, बहुत बुरा लगता है। बट एनीवेज, जो होना है वो तो होना ही है। काव्या कम है, इधर आओ। ये मिस्टर लूथरा बड़ी घुमा फिरा की बातें कर रहे हैं, या आखिर करने क्या वाले हैं? अब देखना, ये कुछ ऐसा करेंगे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये है मेरी बेटी काव्या। मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ, ये मेरी बेटी काव्या है। अगर पूरी जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा प्राइड, सबसे बड़ा गुरूर, सबसे बड़ा गर्व अगर कुछ है तो मेरी बेटी काव्या। सच कह रहा हूँ, आज अगर मैं जिंदा हूं ना तो अपनी काव्या की वजह से। क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त था जब मैं जिंदा हूं, मर गया हूं, कुछ पता ही नहीं चलता था, मुझे अपनी जिंदगी महसूस ही नहीं होती थी। लेकिन तब मेरी बेटी काव्या ने मुझे जीने की एक वजह दी है। मरे हुए करण लूथरा को अगर किसी ने जिंदा किया है ना तो वो ये मेरी बेटी है। तो ये कहना बुरा नहीं होगा कि ये मेरी जान है। सिर्फ मेरी नहीं, इस घर में सबकी जान है काव्या। और वरुण प्लीज कम भाई, अब तो तुम भी हमारी जान बन गए हो, हमारी जान को अपने साथ ले जा रहे हो, हैं? और वो भी आसपास नहीं, सीधा लंदन, हैं? अच्छा एक बात बताओ, क्यों जा रहे हो? नहीं ओके ओके ओके, इससे पहले कि तुम इस चीज का जवाब दो, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहे हो, फाइनेंस के लिए जा रहे हो, अच्छे बिजनेस के लिए जा रहे हो, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज है इसलिए जा रहे हो। देखो मैंने तुम्हारा बिजनेस मॉड्यूल पढ़ा है। व्हाट इफ आई गिव यू एन ऑफर, जो तुम बिजनेस लंदन की कंपनीज के साथ में करोगे, अगर वही टाई अप तुम लूथरास की कंपनी के साथ में कर लो तो जो प्रॉफिट तुम वहां बनाओगे ना उससे 5 गुना प्रॉफिट मैं लॉक करता हूं। देखो इससे 2 चीजें होंगी, एक तो तुम्हारा जो ड्रीमी बिजनेस है, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, वही पूरा हो जाएगा, और उससे प्रॉफिटेबल चीज हमारे लिए हो जाएगी। हमारी जो बेटी है काव्या, ये हमारी आंखों के सामने रहेगी, यहां इसी शहर में रहेगी। अब भाई इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है, तुम्हें भी प्रॉफिट और हमें भी प्रॉफिट, क्यों? तन, अरे तुम, I'm so happy. डॉक्टर आपने मुझे बुलाया? Yes, I called you. दरअसल मिसेस लूथरा को आपका ट्रीटमेंट करने का तरीका बहुत पसंद आया, तो अब से आप ही को उनका ट्रीटमेंट करना है, ओके? श्योर डॉक्टर, मैं ही उन्हें अटेंड करूंगी। पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि काव्या से बात करूं, राजवीर को फोन लगाती हूँ। हाँ माँ। राजवीर, काव्या कैसी लग रही है? बहुत सुंदर माँ, जैसे मेरी बहन, और कह सकते हैं कि आपकी बेटी को लगना चाहिए, ठीक वैसे ही। अच्छा, वो मैंने इसलिए फोन किया था कि सर मेरी काव्या से बात करा दे, मैं उसे आशीर्वाद दे देती हूँ और सॉरी भी कह देती हूँ ना, क्योंकि मैं नहीं आ पाई। काव्या मेरी मासी को जानती है मगर उनका नाम नहीं जानती। हाँ माँ। काव्या, वो मेरी मासी आपसे बात करना चाहती है। हाँ करवाओ ना। हेलो काव्या, मुझे पता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज तुम्हारी सगाई है तो मैंने तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए फोन किया है। तुम हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। वैसे आप सगाई पर तो आ नहीं पाई, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी में जरूर आए, राजवीर के साथ। ऑफ कोर्स,
प्रॉमिस? आई प्रॉमिस, मैं जरूर आऊंगी। वारी जावा मैं तेरे सदके, वारी जावा जावा मैं वारी जावा जावा मैं वारी जावा। यारा वे मेरे यारा, यारा वे मेरे यारा, दिल को सुकून मिला जो तू मिला। बाय। थैंक यू। अरे काव्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सगाई का मुहूर्त हो गया, चलो आओ सब लोग आओ, कम लेट्स गो। पंडित जी आप जानते हैं ना कि आज काव्या और वरुण की सगाई है, सारी सामग्री आपको लानी थी लेकिन आप रिलैक्स 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 वो है रिलैक्स, सारी सामग्री आई हुई है पंडित जी, सब आया हुआ ना, चिंता की कोई बात नहीं है। देखा अरे अरे क्या हुआ बेटा है? पापा आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। अब मुझे इंडिया छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, अब मैं यहीं पर रह सकती हूँ आप सबके एकदम पास। करण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चे को अपना बिजनेस पार्टनर जो बना लिया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। अब हम हमारे बच्चे के साथ में रहेंगे, हम सब साथ में रहेंगे। फैमिली का मतलब ही ये होता है कि सब लोग रात को बैठकर डिनर कर रहे हैं और सुबह सब लोग मिलकर ऑफिस जाएं और बिजनेस करें अपनी फैमिली के लिए। भाई मेरे लिए तो फैमिली लाइफ है और लाइफ का मतलब फैमिली है, मैं तो बस इस चीज में बिलीव करता हूं। मेरी माँ को तो कभी कोई फैमिली नहीं मिली, किसी का प्यार किसी का साथ नहीं मिला, ऑलमोस्ट पूरी लाइफ अकेले गुजारी है उन्होंने मिस्टर लूथरा की वजह से, और ये फैमिली की कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पंडित जी कितना टाइम लगेगा अभी? बस 2 मिनट और रुक जाइए, हमारे सहयोगी कुछ चीजें लेने गए हैं, बस आते ही होंगे। चलिए ठीक है, तब तक मैं एक दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। मैंने फैसला किया है कि काव्या की शादी में भाई की सारी रस्में राजवीर निभाएगा। अब मैं भी शौर्य को क्या ही बोलूं, क्या ही समझाऊं? इसके अपने डैड राजवीर को इतना प्यार दे रहे हैं, एंड आई थिंक शायद शौर्य से भी ज़्यादा। अब मुझे शौर्य की गलती नहीं लगती, अब इसका गुस्सा जायज़ है समझ में आने लगा है मुझे, पर फिर भी मैं शौर्य से पूछूंगी इसने वैलेंटाइंस डे पे जो किया वो क्यों किया। करण तूने तो मेरी दिल की बात कह दी। कुछ चीजें गलत हो गई पर अब मैं सब ठीक कर दूंगा। जब तू छोटा था ना तब तेरे पास नहीं था, मैं तेरे पास कोई भी नहीं था, ना दादा ना दादी ना भाई ना बहन, पूरी फैमिली में से कोई भी नहीं था तेरे पास, पर अब सब होंगे, पूरी फैमिली होगी। आई विल मेक श्योर कि तेरी जिंदगी की ना हर कमी पूरी कर दूंगा। हुआ मैं अभी आता हूं।
मेरे पापा इतने बुरे इंसान हैं, इतने बुरे इंसान हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उन्होंने मेरी माँ को सिर्फ दर्द दिया है। नफरत करता हूँ करण लूथरा से। उनके साथ बरसों पहले हुआ था जिसके कारण उनके दिमाग पे बहुत असर पड़ा था। क्या हुआ था? रीता जी अपनी याददाश्त खो चुकी हैं, उन्हें अपनी पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। हे भगवान, लोग कहते हैं कि ऊपर वाला है सब ठीक कर देगा, ऊपर वाला ये कर देगा, ऊपर वाला वो कर देगा, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, क्या ऊपर वाला? ऊपर बैठकर नीचे दिखाई दे देता कि हम इंसानों के साथ में क्या बीतना, कुछ नहीं दिखता। मेरी पत्नी, मेरी प्रीता, मेरे बच्चों की माँ मुझसे बिछड़ गई। मैं बस यही सोचता रहा कि मेरी पत्नी प्रीता अब इस दुनिया में, मर मर के जिया हो इतने साल, और फिर अचानक से प्रीता मुझे वापस मिल जाती है, मेरी सांस में सांस आती है, मुझे लगता है कि हाँ मेरी पत्नी मुझे मिल गई, अब आने वाले साल में अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में खुशी खुशी बिताऊंगा। क्या हूं क्या मेरा, मुझे मेरी पत्नी मिली लेकिन उसको अतीत का कुछ याद ही नहीं है। वो प्रीता जो मुझसे इतना प्यार किया करती थी, उसे तो ये तक नहीं पता कि करण लूथरा कौन है। मेरा बेटा, मेरा पिछड़ा हुआ बेटा रुद्र, वो मुझसे इतनी नफरत करता है, इतनी नफरत करता है कि इतनी नफरत तो कोई अपने दुश्मन से भी नहीं करता। क्या किया है भगवान तुमने, कभी सोचा है क्या किया तुमने मेरे साथ में? एक पल जिंदगी दी और दूसरे पल मौत, एक पल सब कुछ दिया और दूसरे ही पल सब कुछ छीन लिया। ये प्रीता को मुझसे छीन लिया। ऐ कुछ जवाब तुम्हारे पास, ऐ कुछ जवाब? देखो प्रीता, देखो वो तो बेजुबान है, तुम तो प्लीज बोलो, क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का जो मेरे साथ में इतना बुरा हुआ? प्लीज जवाब दो। तुम्हारे ना होने के दर्द के साथ में इतने साल में जिया, मैं जिंदा था, मर गया था, दिन था, रात थी, सुबह थी, शाम थी, कुछ नहीं पता था मुझे, मेरे लिए जिंदगी जिंदगी नहीं थी प्रीता, ऐसे जिया हूं मैं, सच सच कह रहा हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 साल काम किया और कुछ नहीं किया। और फिर मुझे तुम मिले, मेरी सांसों में सांसें आ गई, मुझे ऐसा लगा बस अब सारे दुख दर्द सही हो गए, अब आने वाली जिंदगी खुशी के साथ में बीतेगी। लेकिन क्या हुआ मेरे साथ, सोचो। तुम्हारा करण लूथरा मर चुका था प्रीता, तुम्हारे होने ने उसको जिंदा किया है। देखो प्रीता, अगर तुम उससे बात नहीं करना चाहती मत करो, लेकिन प्लीज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास में आओ, मुझे अपने गले से लगाओ और मेरे कानों में कहो कि यू कड़वा कर देना। देखो तुम जो कहोगी ना, मैं सब सुनने को तैयार हूं, तुम जो कहोगी ना मैं करूंगा, सच कह रहा हूं, लेकिन प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ा, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस लौटा, प्लीज वापस आ जाओ प्रीता, प्लीज वापस आ जाओ, सच कह रहा हूं प्रीता, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं, इंसान हूं, मुझको भी सहारे की जरूरत है, मुझे भी किसी के साथ की जरूरत है, किसी के हाथ की जरूरत है, कोई आए मुझे संभाले, मुझे तुम्हारी जरूरत है प्रीता, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज 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 मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। डैड, डैड। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस नीचे आपको बुला रहे थे। ओके चलो, कम लेट्स गो।
क्या था उस ड्रॉर में? डैड क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे? सैंडी, तुमने शौर्य को कहीं देखा क्या? वो कहीं यहीं गई। मैं तो कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं दिखा नहीं। वो एक्चुअली ना, मुझे शौर्य की बहुत टेंशन होने लग गई है। टेंशन क्यों? हाँ वो अब ऐसे ही कुछ नहीं। तो अब शौर्य की टेंशन तुम्हें भी फील हो रही है? हाँ मतलब हाँ, मुझे फील होने लगा है। मुझे अब दिख रहा है कि क्यों शौर्य राजवीर को इतना हेट करता है। पर ना अभी भी मुझे एक बात समझ नहीं आई, करण सर वो राजवीर को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? आई मीन जरूरत नहीं है ना? आई विश करण सर ये समझ पाए। एनीवे मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी, पता नहीं यार शौर्य कितनी देर से मुझे भी दिखा नहीं है, कहाँ गया होगा? मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ। मैं ऐसे नहीं हार सकता, करण लूथरा ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। हाँ महसूस होता है कभी कभी कि मैं हार गया, पर मैं हार नहीं सकता। अब जिंदगी की बागडोर मुझे अपने हाथों में लेनी है। अब किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब मुझे ही सब कुछ संभालना होगा, हर बिगड़ी बात को बनाना होगा, हर रिश्ते को संवारना होगा। प्रीता, राजवीर, शौर्य, काव्या, ये सब मेरी फैमिली है। जो चीज़ें गलत हुई हैं अब मुझे ही उन्हें सही करना होगा। सबको संभालने के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, सच अकेले ही काफ़ी हूँ मैं।